वो मोमेंट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे ना आंखों में बिल्कुल पानी था। The best part is putting butter and kasuri methi at the end. And my mom says to rub it and give it so that it enhances the flavor more. They got the yummy yum, the yummy yum, the yummy yum. To the work on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Hi everyone, namaskar. तो आज के व्लॉग में रिजल्ट होगा आउट क्विज का। नहीं, मुझे कोई भी सही उत्तर नहीं आए इसके। इसके साथ चलना पड़ता है भाई। सो टुडेज व्लॉग इज मेनली डेडिकेटेड टू ऑल द टीनएजर्स, स्पेशली डॉटर्स। सो मम्मास रेसिपीज आर यूजुअली वेरी क्विक एंड इजी। आई विल बी शोइंग यू वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज दैट मम्मा टॉट मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक माँ के लिए इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है कि बेटी अपने हाथ से उसकी फेवरेट रेसिपी उसको बनाए और प्लेट में चावल परोस के उसको खिलाए कि माँ आप बैठो, आज मैं खाना बनाती हूँ। हर मॉम जो है ये चीज से रिलेट कर पाएगी। तो अब बारी थी मॉम की, तो मैंने भी उसको उसकी डिमांड कई दिनों से थी इस चीज के लिए, तो उसको भी फुलफिल की और मुझे लगा कि ये राइट मोमेंट है कि मैं भी उसको स्पेशल फील कराऊं। सो लेट मी बिगिन टुडेज व्लॉग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala from Justin Bieber. Love and Life with Mala. तो जी हाँ, पिछले व्लॉग में जो क्विज पूछा था कि ये चटनी किस चीज की, मुझे काफी मैसेजेस आए बट सारे के सारे गलत। तो बता देती हूँ ये रेसिपी है, आप लोग सुन के चौंक जाएंगे, मूली की चटनी। तो चलिए बना लेते हैं ठंड में बहुत ही यमी मूली की चटनी। इसके लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मूली को जो है पील करके आपने वही ग्रेट कर लेना है, और जैसे मूली के पराठे का स्क्वीज करके रखा था ना, वैसे ही ग्रेट करने के बाद मूली को स्क्वीज करके रख दीजिए, ठीक है। अब एक पैन में आपने लेना है थोड़ा सा तेल और उसमें जीरे का छौंक दीजिए, और साथ में चार पांच जवे मैंने लहसुन के दिए, और जितनी आपको मिर्ची तीखी चाहिए उतना हिसाब से आप मिर्च लीजिए। जब ये इस तरीके से लाल हो जाए तो इसको अलग कटोरी में ठंडा होने के लिए रखिए, ठीक है। अभी उस सेम पैन में ही जो आपने स्क्वीज्ड रेडिश रखे हैं ग्रेट करके मूली, उसको डाल दीजिए तेल में, और इसमें डालिए कटे हुए टमाटर। मेरे पास टमाटर की प्यूरी थी तो मैंने वो डाल दी, और इसको मिक्स कर लीजिए। लग रहा है ना जैसे गाजर नहीं, लेकिन ये मूली और टमाटर है। जब ये आपका फ्राई हो जाए तो इसको अलग से रख दीजिए, और जो पहले जो आपने भून के रखा है लहसुन मिर्च और जीरा, ये दोनों आपके रेडी हो गए। अब बारी बारी इनको मिक्सी में ठंडा करके पीस लीजिए। पहले हम लोग मिर्च, जीरा और लहसुन पीस लेंगे। जब ये पीस जाए इसमें वो ग्रेटेड फ्राइड टमाटर और मूली आपने पीस लेनी है। देखिए पीसने के बाद मिक्सचर जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा। बस अब आप इसको ऊपर से छौंक लगाइए। छौंक में वही हींग, राई, थोड़ा सा उड़द का तेल और कड़ी पत्ता, ठीक है। इसका आप छौंक बनाकर बस इसमें लगाइए छौंक, और गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। सो चौंक गए ना मूली का नाम सुन के, बट ट्रस्ट मी ये वाली चटनी जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा फिर। और अब चौंकने की बारी थी मेरी, क्योंकि सुनिए महक क्या कह रही है। Mama's recipes are usually very quick and easy, especially for the teenagers or school or I mean office going people. So you know they can make this quick recipe. नए साल पे मेरा किचन मेरा ना रहा. Hi, so today I'll be marinating the chicken drumsticks. So Mama's taught me the easiest way to marinate. So I'll be putting garlic powder. Garlic powder isn't like necessary. You can also put garlic paste. Then I'll be putting vinegar, salt, haldi, and that's it. No, I'm curd. Yes. First, I'll be just slitting them on both the sides so that the masala goes inside, and then I'll be putting the ingredients one by one. जैसे मैं कुकिंग करते करते उसको टिप्स बताती हूँ ना, ठीक उसने भी ऐसे ही आप लोगों को बताया है। I'll be showing you one of my favorite recipes that Mama taught me. So let's get started. What are you doing? I've already put the cuts. Now I'll be putting the masalas, the ingredients, and then mixing them. Yeah. Pressure cooker recipe. Yes, it is. Yes, it is. So let's get started. Marination से शुरू करके मिक्सी में पेस्ट बनाना, पूरा कुकिंग जो है महक ने एंटायरली उसने खुद ब खुद किया। मैरिनेशन में उसने लिया एक चम्मच विनेगर, दो चम्मच दही, गार्लिक पाउडर, नमक और हल्दी। After adding all the ingredients, I'll be marinating it, so mixing it up. So the marination has been done now.
You can do the marination 3 to 4 hours prior, but since we were in a hurry because it's already 8 o'clock, so we're just doing this like half an hour before preparing the masala and everything. So now we'll be making the masala. So that's ginger, garlic, onions, and tomato, and then let me meet you guys. So for the masala, I've taken 2 onions and 10 to 12 cloves of garlic because we have 10 pieces of chicken drumsticks, and now we'll be making a paste. फिर प्रेशर कुकर में डाला उसने तेल और डाला गरम मसाला, इसमें था तेज पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी। फिर जो उसने पेस्ट बनाया उसको डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास टोमेटो प्यूरी बचा था तो हमने इसको पूरा यूज कर लिया। इसके बाद मसाले में देखिए उसने डाला हल्दी और मिर्च, बस दैट्स इट। ये बहुत बेसिक चिकन करी है बट ट्रस्ट मी बहुत यमी बनती है, और मुझे उम्मीद है मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में जो टीनेजर बच्चे हैं वो भी इसको ज़रूर से ट्राई करेंगे। मामा की हेल्प लेकर करिएगा। देखिए, और महक इस तरीके से उसको लगातार भून रही थी। बहुत टेस्टी बनने वाला है, आप लोग पक्का बताइएगा देख के। So the best part is putting butter and kasuri methi at the end. And my mom says to rub it and give it so that it enhances the flavor more. महक की ये सब खाने के प्रति बारीकियां देख के मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी महक। बस इसको कुछ देर भूनने के बाद जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी, यस लुकवार्म पानी डालकर बस एक सीटी लगा लीजिए। Mama, after eating this today, you'll reach heaven. Oh yeah, I have already reached heaven. Love life की माला की फैमिली, ये जरूर ट्राई कीजिए। Hot steaming rice with chicken. पता है ये जैसा भी बनता मैं इसको 100/100 ही देती, बट ये सच में बहुत लाजवाब और बहुत लजीज बना था, तो इसको जरूर से ट्राई करिएगा। और अब बारी थी मामा को महक को एक सरप्राइज देने की। कुछ क्लू मिला आप लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप लोग सही सही ढूंढ रहे, सही 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 बोल रहे हो, बस 2 सेकंड और। सो आप लोगों में से जिन्होंने ये सोचा है गेट 101 पॉइंट, तो हम लोग आए हैं किसके लिए? मैं है टिम हॉर्टी। सो बेसिकली जस्ट लाइक आई हैव क्रिएट थ्री कॉल्ड टिम बीज, या दे कॉल्ड टिम बीज, एंड सो लेट्स सी इफ वी गेट इट और नॉट। डोनट्स के बीच का जो होता है ना, दैट इज यहां पे टिमीज जो है वो सेल करती है टिम बिट्स करके। जस्टिन बीबर का जो आया है प्रोडक्ट वो है टिम बीब्स, एंड यस आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग। सो हम लोग आए हैं, सच में मैं ऊपर वाले का शुक्राना हमेशा देती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो छोटी छोटी चीज़ों में भी इतना खुश होना जानते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनकी खुशी देखकर। एनीवेज, तो ये टिम बीब्स हैं, इसके 3 फ्लेवर्स थे। जस्टिन बीबर के क्या क्या हैं वो तो आपको महक ही बाद में बताएगी, प्लस उसके कुछ ना मर्चेंडाइज भी थे तो वो भी बेचारी पूछ रही थी, बट वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। और महक रानी को देखिए, खुश हो गई एकदम। तो महक रानी, आज तुमने चिकन बना के तो मम्मा को खुशी का ठिकाना नहीं रखा, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है तुम्हारे लिए। क्या यू गॉट या टीनेजर के साथ चलना पड़ता है भाई, चलो। तुर्क मेपल के पत्तों की जगह ले ली है अब पाइन लीव्स ने, अब माला के पर्स में ये सब आपको मिलेगा। तो ये है आज की कमाई, और साथ में कुछ कुछ बच्चों के लिए ले लिया है। अब चलती हूँ, आज का दिन आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। वीडियो में जो भी अच्छा लगा होगा दे दीजिएगा लाइक, करिए कमेंट और करिए शेयर। और जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, मेपल की जर्नी से शुरू होकर पाइन के सफर तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, तो करिए सब्सक्राइब। हर बच्चे में माँ अपनी ही छवि तो ढूंढती है, बताइए, अपने ही सपनों को पूरा करते हुए पाती है। और आज तो महक ने मुझे बहुत खुश किया जब उसने मुझे परोस के गरम गरम खिलाया। वो मोमेंट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे ना आंखों में बिल्कुल पानी था। एनीवेज, तो देखिए अब ये सब लेकर हम लोग घर आ गए। When you were small, no, 3-4 months, then you used to dance when we used to sing baby, baby, baby. That was one of Mama's favorite songs, right? आज बहती हुई गंगा में मैं भी हाथ धो लूं ना, तो आगे I'll take a photo like this। अभी महक भी ऐसे फोटो लेगी, ऐसे करके क्या कर रहा है। ओके, चॉकलेट वाइट
fudge, sour cream, chocolate chip. Yeah. Birthday cake waffle. Oh, this is birthday cake waffle. Sour cream वाला दूसरा है, मैंने birthday cake वाला उठा लिया. तो अब जाने की बारी आ गई है, ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में. तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा. तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में. टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला.